हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी किस होम यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम वीपीएन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, मतलब कि आज हम देखेंगे कि वीपीएन को हम किस किस काम में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट जो है वो काम नहीं करता, जैसे कि चाइना में यूट्यूब काम नहीं करता, इस तरह की बहुत सारे जगह में अलग अलग वेबसाइट जो है काम नहीं करता। तो आप वीपीएन को यूज करके ये सारे काम जो है कर सकते हो आराम से। तो ये कैसे होता है दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ पे जो वीपीएन होता है वो आपका जो आईपी है वो आईपी से वो वीपीएन के सर्वर का आईपी को रिक्वेस्ट करता है, और फिर वीपीएन का सर्वर का जो आईपी है वो आईपी जाके उस वेबसाइट के आईपी को रिक्वेस्ट करता है। इससे वो जो वेबसाइट है उसको पता नहीं चलता कि कहाँ से ये जो रिक्वेस्ट है वो आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूएसए का वीपीएन यूज कर रहे हो, तो यूएसए का सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो फेसबुक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक ले रहा हूँ या फिर यूट्यूब ले रहा हूँ, तो यूट्यूब के सर्वर को, तो इससे यूट्यूब को पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाइना पे रहते हो तो चाइना में यूट्यूब चलता नहीं है, तो यहाँ पे यूट्यूब को पता नहीं चल रहा है कि आप यूएसए से एक्सेस कर रहे हो या फिर चाइना से एक्सेस कर रहे हो। यूट्यूब को ये लगेगा कि आप जो है यूएसए से एक्सेस कर रहे हो। तो इसी तरह से दोस्तों, ये जो वीपीएन ये काम करता है, अगर आपको इस बारे में डिटेल जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा और कार्ड्स में भी उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं ये सारे काम जो है कैसे कर सकते हो आप। तो पहले आप गूगल क्रोम पे चले जाइए। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से एक्सटेंशन में चले जाइए, मोर टूल्स जाएंगे, फिर यहाँ पे एक्सटेंशन है, उसके बाद आप नीचे चले जाइए, बिल्कुल नीचे यहाँ पे गेट मोर एक्सटेंशन में क्लिक कीजिए। अगर आप क्रोम यूज करते हो तो अगर आप मोजिला वगैरह यूज करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए बेटर नेट, वहां से आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। betternet.exe आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप आराम से काम जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं betternet लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे betternet पे, क्लिक करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा है betternet अल्टीमेट फ्री वीपीएन प्रॉक्सी, आप इसे ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और यहाँ पे आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सिर्फ पीसी के ऊपर ही काम नहीं करता है, ये जो चीज है ये आपका एंड्रॉइड में भी काम करता है, तो आप एंड्रॉइड में भी इसे यूज कर सकते हो। आप सिंपली प्ले स्टोर में जाके betternet सर्च करके ये जो काम है ये आराम से कर सकते हो, आप वहाँ पे वीपीएन को आराम से यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे betternet को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये मुझे काफी पसंद है, ये काफी अच्छी तरह से काम करता है। तो ये हो रहा है, एडिंग टू क्रोम दिखा रहा है आप। तो अगर आप दोस्तों विंडोज 10 यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा जो है हेर फेर नजर में आ जाएगा यहाँ पे इंस्टॉलिंग के टाइम पे। तो दोस्तों ये हो गया, ये चेकिंग बोल रहा है। दोस्तों ये हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो है आ चुका है। अब आप इसे क्लिक कीजिए और आप इसे थोड़ा टाइम देंगे आने तक का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन जो है यूनाइटेड किंगडम हो गया है, आप इसे चेंज भी शायद कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों कर सकते हो, यहाँ पे और ज्यादा जो ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो वीपीएन जो है कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग, हाँ कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम यूट्यूब को खोल के देखेंगे कि यूट्यूब कहाँ का दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रेंडिंग वगैरह में भी देख सकते हो कि ये जो ट्रेंडिंग है ये इंडिया का ट्रेंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी इंडिया का ट्रेंडिंग नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे, अगर मैं वीपीएन को हटा देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं, तो अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंडिंग जो है कुछ बदल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग बदल गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीपीएन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो वीपीएन से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे ये होगा ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।